ये ओशियन एक प्लेट है, ये भारी होती है, बेसाल्ट की बनी है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है, ठीक है। तो जो भारी प्लेट होती है वो हमेशा हल्की प्लेट के नीचे जाती है, और यहां पर जितना भी सेडिमेंट होगा वो फोल्ड होगा, और फोल्ड होने से यहां पर बनेगा फोल्ड माउंटेन। ये देखो, ये फोल्ड माउंटेन बन रहा है। तो फोल्ड माउंटेन बनता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, चाहे वो नीचे जाए चाहे टकराए। ये बन गया, ये कन्वर्जिंग प्लेट है ना, ये नीचे वाली ओशियनिक, अगर नीचे जा रही है वो ओशियनिक है ना। नहीं जा सकती वो हल्की है, नहीं जाएगी। अब देखो सुनो, वो कन्वर्जिंग बाउंड्री है, डाइवर्जिंग है। यहाँ देखो दोनों प्लेट दूर जाएगी, नीचे से ये मैग्मा आएगा और यहाँ मैग्मा, यहाँ मैग्मा क्या करेगा, दोनों प्लेटों को दूर दूर करेगा और यहाँ पर मैग्मा जमा हो जाएगा, एक लंबी सी लाइन बन जाएगी जैसे बोलते हैं रिज या कटक। तो समुद्र में सी फ्लोर पे, हाँ उसी ने एक रिज बन गई, ये रिज बन गई। अब देखो सुनो, यहाँ जितना मैग्मा या लावा आएगा, तो ये देखो ये जो रॉक दिख रही है, शांत हो जा, हाँ ना, ये और ये दोनों जैसे जैसे मैग्मा आएगी दूर जाएगा। इसका मतलब है जो पुरानी चट्टान होगी, पुरानी रॉक होगी वो दूर होगी, और जो नई नई बन रही वो पास होगी। समझ में आ गया? तो हैरी हेस ने बोला था कि समुद्र के नीचे नई क्रस्ट बन रही है, लोगों ने बोला कैसे माने, तो उन्होंने देखा ये वाली ज्यादा पुरानी है, पर यहाँ का ये कम पुरानी है, यहाँ और है, ये तो बनती जा रही है। इसका मतलब है जब आप इस रिज, इस कटक के पास आओगे, तो देखो ये, देखो तो ये मैग्मा आया और ये बन गई, तो ये वाली चट्टान बनी, इसका दूर दूर चलेगी, इसके बाद ये वाली चट्टान बनी। तो ए और बी में पहले कौन बन गई थी, ए, और जो पहले बन गई थी वो रिज से दूर है। अब देखो और रॉक बनी, ये सी, ये और नहीं है। तो आप जितना रिज के पास जाओगे वहां चट्टान नहीं मिलेगी, और नहीं मिलने का मतलब वहां पर ही कहीं बन रही होगी। अगर सब नई चट्टान रिज के पास मिल रही है, इसका मतलब नई चट्टान रिज के पास से ही बन रही होगी। तो यहां से भी हैरी हेस प्रूफ होता है, समझ में आ गया? तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि आप जब भी कटक से दूर जाएंगे, रिज से दूर जाएंगे, तो चट्टानों की उम्र ज्यादा होगी, मतलब आयु ज्यादा होगी, एज ऑफ द रॉक ज्यादा होगी, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी उम्र ज्यादा है, ये पहले बन गई थी, और जो रिज के पास वाली होगी, और ये बाउंड्री कहलाती है डाइवर्जिंग, कि यहां से दोनों प्लेटें दूर दूर जा रही है, नया क्रस्ट बन रहा है, तो ये डाइवर्जिंग अपसारी सीमा है, ठीक है। तो ये कौन सी सीमा है, अपसारी, किसने, वैसे तो सही दी थी मॉर्गन ने, पर ऑप्शन में नहीं है, तो हैरी हेस चला जाएगा। कौन दे रहा है, देखिए बैगना नहीं हुआ, चलो ये देखो माउंटेन पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा, ये देखो ये अवसाद है, सेडिमेंट है, जब भी दो प्लेटें टकराएंगी, एक प्लेट नीचे जाएगी, तो ये वाला अवसाद पर कॉन्ट्रैक्ट होगा फोल्ड, और इससे बनेगा फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो ये क्रीम जैसी जिसको खाने का मन कर रहा है, ये फोल्ड माउंटेन है, ये कौन सा माउंटेन है, बलेत पर्वत है। तो ये प्लेट नीचे जा रही है और यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बन रहा है, तो फोल्ड माउंटेन बनती है दो प्लेटों की टक्कर वाली जगह पर। और देखो क्या हो जाएगा, ये देखो बेगनर दी टेक्टोनिक वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये देखो सुनो, या कोर से आउटर कोर में बताया था रेडियो एक्टिव क्रियाएं चल रही हैं, उसकी वजह से पूरा टेम्परेचर आ रहा है, और ये देखो ये मेंटल प्लूम संवहनी धाराएं, ये निकल रही धाराएं, और ये देखो ये कहीं ना कहीं प्लेट से टकरा रही है, ये मैग्मा उठ रहा है, और ये प्लूम जहां टकरा रही वहां प्लेटें दूर जा रही है। देखो तो ये कौन सी बाउंड्री है, डाइवर्जिंग, क्योंकि यहां से प्लेट अब दूर क्यों जा रही है, नीचे से मैग्मा, अरे जैसे ये हाथ है यहां से मैग्मा आ रहा है, अब ये कठोर है, इसको नहीं तोड़ पा रहा है, यहां
निकल गया, तो ये प्लेट क्या होती जाएगी, दूर होती चली जाएगी। और जब 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 देखो इसमें ये भी देखो, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो पक्का वो प्लेट किसी और के पास आ रही है, जितना वहां बनता जाएगा वहां खत्म होता जाएगा। ये देखो प्लेट पिघलती जा रही नीचे जाके, दिख रहा है ये प्लेट पिघलती जा रही है। ये अनार है जो तुम दिवाली पे फोड़ते हो। बिल्कुल होते हैं, जैसे जापान है, जापान में फोल्ड माउंट, जापान खुद में एक आर्क है, दो प्लेटों की टक्कर से बना है। तो मेरे ख्याल से इन वीडियो से समझ में आ गया होगा डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, ये दिखाना तो चाह रहे थे दो तीन क्लास है बट डेली भूल रहे थे। चलो अब अपन पढ़ते हैं आगे इसके। भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वोल्केनोज देखना है। सुनो माउंटेन्स हो गए ना, माउंटेन्स के टाइप वगैरह, अरे माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन हो सकता है, ब्लॉक माउंटेन हो सकता है, मतलब बना कैसे ये देख लिया, उनकी लोकेशन देख ली, ठीक है, दो ही चीज़, और उसके टाइम पीरियड देख लिया। सबसे पहला वाला माउंटेन प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद कैलिडोनियन, उसके बाद हर्सिनियन, इसके बाद अल्पाइन, तो माउंटेन्स के टाइप हमने देख लिए ना। चलो अब देखो अर्थक्वेक में देखना है, अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। आपसे क्या हो गया, आर्कियन, आर्कियन अपन सबसे पुराना आर्कियन को मानते हैं। यह देखो सीस्मोलॉजी, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी आता है, और ध्यान रखना ये नहीं आएगा, तुम खुश मत हो, ये नहीं आएगा कि भूकंप विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं भूकंप, तुमसे पूछा जाएगा सीस्मोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिख के आएगा सीस्मो। मुझे तो लगता है धीरे धीरे हिंदी खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे अब क्षोभमंडल ने पूछना बंद कर दिया, ट्रोपोस्फियर पूछना, धीरे धीरे तुम पढ़ोगे हिंदी में पर बोलोगे वो अंग्रेजी ही है। चलो अब देखो अर्थक्वेक क्या होता है, यहाँ मान लो कहीं से एनर्जी रिलीज हुई तो ये एनर्जी चलेगी। अब दो तरह की वेव होती है, एक वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है, बताया था पी और एस वेव, ये जमीन ये धरती के अंदर चल रही है इसलिए इनको कहते हैं बॉडी वेव, देहिक तरंगे, ये धरती की देह के अंदर चल रही होती है, बॉडी में चली, इसलिए इन्हें बॉडी वेव या देहिक तरंगे। तो जब भी कहीं से एनर्जी निकलती है तो दो वेव चलने लगती है, पी और एस, जिस केंद्र से ये वेव निकलना शुरू उसे कहते हैं फोकस, केंद्र, मूल, और जाते जाते जहां सबसे पहले टकरा जाए उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर या अधिकेंद्र, ठीक है। तो धरती के अंदर एनर्जी बनना शुरू, और जैसे एनर्जी निकलेगी तो वेव निकलेंगी दो, पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये केवल धरती के अंदर चल सकती है, धरती के बॉडी के अंदर, इसलिए इनको बॉडी वेव या देहिक तरंगे कहते हैं। जब धरती पे पहुंचती है तो या तो ये एल वेव बन जाती है या ये आर वेव बन जाती है, ठीक है, एल वेव, तो अगर कोई बिल्डिंग गिर रही है तो एल वेव है, और कोई बिल्डिंग झुक रही है, एक बिल्डिंग आया और वाइब्रेट हुई और गिर गई, तो समझ लेना कौन सी वेव, और वो बिल्डिंग धीरे धीरे झुक रही है क्योंकि उसके नीचे कोई रोल कर रही है, तो अगर वो बिल्डिंग झुक रही है तो वो कौन सी वेव है, आर वेव। सबसे ज्यादा नुकसान एल वेव से होता है, भूकंप आया बिल्डिंग वाइब्रेट हुई और गिर गई, तो किस वेव से, एल वेव, मतलब लव वेव, हाँ, तो जो पी और एस थी वही ऊपर आ गई और वही बन गई एल और आर, ठीक है, आर को ही बोलते रैले वेव, ठीक है, वैसे तो L और R भी बोल सकते हैं, हो सकता है L की जगह लव और R की जगह रैले वेव मिले, ठीक है, तो लव और R ये दोनों सरफेस वेव है जबकि P और S बॉडी वेव है, ये दैहिक तरंगे हैं और ये धरातलीय तरंगे क्योंकि केवल धरातल पे चलती, एक सीधे जा रही है एक रोल करती हुई जाती,
ठीक है, तो चार तरह की तरंगे चलना शुरू हो जाएंगी जब अर्थक्वेक आएगा। फोकस समझ में आ गया, जहां से वेव निकलना शुरू वो कौन सी जगह होगी, फोकस, अर्थक्वेक का, भूकंप का। अब ये तरंग निकलते निकलते जहां सबसे पहले हिट करेगा वो क्या होगा, एपिसेंटर, अधिकन, सबसे ज्यादा बर्बादी एपिसेंटर होता कि यहां सबसे पहले पहुंच रहा है। इसको अगर हम धरती के गोले में देखो, ये मान लो अर्थ है और यहां मान लो सेंटर है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहां पहले टकराएगी और यहां उतना असर भी नहीं होगा। तो जहां एपी सेंटर बनता वहां सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। तो भूकंप का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट, सबसे हानिकारक प्रभाव कहां पर पड़ता है, एपी सेंटर। एपी सेंटर का मतलब है ये तरंग सबसे पहले धरती के जिस पॉइंट पर टकरा जाएंगी वो एपी सेंटर। तो फोकस और एपी सेंटर समझ में आ गया। हाँ, पी और एस, पी और एस जब धरती पे आ जाएंगी, अर्थ पे आ जाएंगी, तो क्या बन जाएंगी, आर और एल। रामलाल चलो, अब देखो दो पॉइंट और है, होमो और आइसो, होमोसिस्मल लाइन और आइसोसिस्मल लाइन के नाम। सह का मतलब होता साथ, सह का मतलब क्या होता, साथ में। तो एक साथ जहां जहां भूकंप आया, उन्होंने कहा सुबह 9 बज के भूकंप आया, तो जहां जहां भूकंप आ गया, तो ऐसा मैप लो, उन्होंने कहा यहां 9 बजे, यहां 9 बजे, यहां 9 बजे, अब इन सब पॉइंट को जोड़ दो। तो अब ये जो लाइन बन गई वो बन गई होमोसिस्मल लाइन, सह भूकंप रेखा। एक टाइम पर जहां जहां अर्थक्वेक आया है उन सब पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी सह भूकंप। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, सह भूकंपी, साथ में भूकंप जहां आता है। समझ में आ गया। तो होमोसिस्मल का मतलब आइसोसिस्मल, समभूकंपीय। तो अपन ने क्या किया, मैप बनाया और एक जैसी इंटेंसिटी, उन्होंने कहा यहां भी 9 मैग्नीट्यूड का आया, यहां भी 9 का आया, यहां का, तो एक जैसे मैग्नीट्यूड, एक जैसी इंटेंसिटी, एक जैसे तीव्रता वाले भूकंप वाले स्थान को मिला दिया। अब जो लाइन बनेगी वो आइसोसिस्मल। तो एक साथ आना और एक जैसा आना में अंतर है। एक साथ आना होमोसिस्मल है और एक जैसा आना आइसोसिस्मल। तो दोनों लाइन याद हो गई, ठीक है। कि इसको सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं, ये देखता है कि एक साथ एक टाइम पर भूकंप कहां कहां आया। उन्होंने कहा भारत के दिल्ली में, नेपाल के कहीं और, ब्यामार के कहीं और, तो उन सब पॉइंट को मिला दो। अब जो लाइन ड्रॉ की मैप पर, वो लाइन है होमोसिस्मल लाइन। इसमें क्या देखा जाता है, टाइमिंग। इसमें क्या है, इंटेंसिटी। जो अर्थक्वेक आया हो सकता कहीं बहुत ज्यादा आया हो, वो कहीं केवल पता ही नहीं चला, वाइब्रेशन हल्का सा हुआ। तो पूरे मैप में देख लो कहां का इंटेंसिटी एक जैसी है और उन सब पॉइंट को जोड़ दो। अब जो लाइन बनेगी वो क्या बन गई, आइसोसिस्मल। आइसो मतलब एक जैसा, जैसे आइसोथर्मल, एक जैसे टेम्परेचर वाली, आइसो बार, एक जैसे प्रेशर वाली, ऐसी आइसोसिस्मल, एक जैसा भूकंप आया, बिल्कुल एक जैसा, एक जैसी इंटेंसिटी, तो वो क्या है, आइसोसिस्मल। तो दोनों लाइन बता दोगे। चलो अब एक एक करके रीजंस, कॉजेस देखते क्या है। पहला है वोल्केनोस, जहां पर भी ज्वालामुखी आएगा वहां अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। कैसे, देखो क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो ये वाली पिघल जाएगी। क्यों पिघलेगी, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये पिघल गई, पिघलने से मैग्मा ऊपर आएगा, अब क्रस्ट को आसानी से तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा, क्रस्ट इतनी पतली थोड़ी है, समुद्र की क्रस्ट भी 5-10 किलोमीटर चौड़ी है, 5-10 किलोमीटर क्रस्ट को तोड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन जैसा है। तो इसको जब तोड़ेगी तो ताकत लगाएगी कि नहीं, तो जब भी कन्वर्जिंग साइड पे, अभी सारी सीमा पे देखोगे तो भूकंप ज्वालामुखी आने के चांस होते, पर ये ज्वालामुखी बहुत विस्फोट से आएगा कि बहुत ताकत लगा रहा है, आप किसी गेट पर धक्का दो बहुत ताकत एकदम से खुल जाए तो कितनी तेजी से आप घुसोगे, या आप दौड़ के जाओ कोई गेट खोल दे, ऐसा भी देखा होगा ना कई मूवीज में कि वो पूरी ताकत से बोले रुक जाओ मैं खोल रहा हूँ, दया को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कई बार देखा होगा ना ताकत से बोले रुको मैं दौड़ के आ रहा हूँ, और दौड़े दौड़ते वो गेट खोल देता है, और खेलते खेलते दूसरी तरफ ही बालकनी खुली रहती है, तो जितनी तेजी से घर के अंदर आता है ऐसे होता कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ भूकंप आएगा पर बहुत तेज आएगा,
कहां पर, जहां पर कन्वर्जिंग बाउंड्री होगी, अभी सारी जहां दो प्लेट मिल रही है। अब जहां डाइवर्जिंग बाउंड्री है वहां पर भी मैग्मा आ रहा है, देखो मैग्मा तो यहां पर भी आ रहा है पर इस मैग्मा को बहुत ताकत लगा के ऊपर आना पड़ रहा है। जब डाइवर्जिंग बाउंड्री होगी तब भी मैग्मा तो आएगा पर वो खिसकता जा रहा है ऊपर आता जा रहा है, तो अर्थक्वेक्स यहां भी आएंगे पर यहां आएंगे ज्यादा तीव्रता वाले, हाई इंटेंसिटी वाले, और यहां आएंगे लो इंटेंसिटी। तो जहां पर प्लेटें एक दूसरे के पास आती है वह हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, और जहां प्लेटें दूर जाती वहां तो दूर जा रही है, मैग्मा आता जा रहा है हल्का फुल्का भूकंप आ रहा है। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री अप सारी सीमा पर हल्के भूकंप आते हैं, सैलो अर्थक्वेक्स आते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो भूकंप चाहे कन्वर्जिंग बाउंड्री पे हो चाहे डाइवर्जिंग, भूकंप तो आएगा पर कहीं गहरा आएगा, कहीं डीप अर्थक्वेक्स आएंगे। ठीक, इसके बाद है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरली बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, और आर्टिफिशियल को बोलते हैं जलाशय प्रेरित, रिजर्वॉयर इंड्यूस सीस्मिक सीस्मोलॉजी। इसका मतलब क्या है समझो, क्या है कि किसी चट्टान पर बहुत दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ते 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 कभी तो टूटेगी, जैसे मैं इसको मोड़ता जाऊं मोड़ता, कोई अगर लकड़ी होती मोड़ता जाऊं कभी ना कभी तो टूटेगी। तो क्या होता, धरती की चट्टान पर हो सकता है वहां लगातार डिपोजिशन निक्षेपण हो रहा हो, नेचुरली हो सकता है नदी कटाव कर करके वहां बालू रख रही हो, वो चट्टान पर जब बहुत ज्यादा दबाव होगा तो वो मुड़ती जाएगी कभी तो टूटेगी, और जब टूटेगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी क्यों निकलेगी, उसने बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर ली। जब आप लकड़ी को मोड़ोगे तो आप बहुत सारी ताकत लगाओगे, तो लकड़ी को मोड़ने में एनर्जी लगी होगी, वही एनर्जी उस लकड़ी में स्टोर हो गई। ऐसी जब वो चट्टान झुक रही होगी तो उस पर बहुत सारी प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, उनका प्रेशर लग रहा होगा, उस एनर्जी की वजह से तो मुड़ रही होगी। लेकिन जब वो टूटेगी तो रिबाउंड करेगी, टूटने के बाद ऐसे ही तो आ जाता वापस, नहीं आता तो चट्टान टूटेगी वापस आ गई, इसे क्या बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड। और इससे भूकंप आएगा क्योंकि जो एनर्जी उसमें स्टोर थी वो निकलेगी वेव की फॉर्म में, अंदर निकलेगी पी और एस और बाहर जाती बन जाएगी एल या आर, या तो वो वेव ऐसे ऊपर निकलेगी या ऐसे ऐसे निकलेगी। समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये नेचुरल हो सकता है, अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तुमने बना लिया बड़ा बड़ा डैम, जैसे तुमने सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ा ली, जितना ऊंचा डैम बनाओगे उतना पानी स्टोर होगा क्योंकि आपने नदी के पानी को रोका, पर नदी अकेला पानी लेके थोड़ी आती है, वो अपने साथ सेडिमेंट भी लेके आती है, तभी तो वो डेल्टा बना देती है समुद्र में। इसका जब भी रिवर फ्लो होता है तो उस पानी के साथ साथ नीचे गाद भी होती है, सिल्ट भी होती है, क्ले भी होता है, सैंड भी होती है, और बांध में जब तुम पानी स्टोर करोगे तो नीचे क्या बैठती जाएगी, मिट्टी। इसका मतलब जो डैम के नीचे की चट्टान उस पर हर साल प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि पानी तो छोड़ दिया, मिट्टी उतनी नहीं जाती, वो रुक जाती है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो बांध के नीचे जितनी चट्टान होगी उनमें हर साल दबाव बढ़ेगा और कभी ना कभी तो वो टूटेगी, उसे बोलते हैं जलाशय प्रेरित भूकंप, रिजर्वॉयर इंड्यूस अर्थक्वेक्स। ये आर्टिफिशियल भी नेचुरल भी, नेचुरली भी चट्टान में दबाव बढ़ सकता है और कृत्रिम रूप से या ह्यूमन मेड की वजह से भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया, तो ज्वालामुखी आने से भूकंप आ सकता है, वोल्केनो से आ सकता है। ज्वालामुखी कहाँ आता है, कन्वर्जिंग बाउंड्री की डाइवर्जिंग बाउंड्री, दोनों जगह आता है, पर दोनों जगह के भूकंपों में अंतर क्या है, खतरनाक कहाँ का है, यहाँ का भूकंप खतरनाक है, यहाँ के भूकंप पता भी नहीं चलेंगे, सैलो होंगे। ये समझ में आ गया, ये नेचुरली भी हो रहा है और रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड भी हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप, वहां कोयना वाटर रिजर्वॉयर बना दिया, भूकंप आ चुका है। टेरी में भूकंप आने के पूरे चांस बताए जाते हैं, ये माना जाता है उत्तराखंड में, ऊंचा डैम कौन सा, टेरी, भागीरथी नदी पे, और उत्तराखंड वहां पर है जहां पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, मतलब तुमने उस एरिया में डैम बना दिया जहां प्लेटें चल रही हैं, हिमालय वहां भारतीय प्लेट टकरा रहा है, वहां फोल्ड है, तो अगर टकरा रहे हैं तो चट्टाने डिस्टर्ब होंगी कि नहीं, चट्टानों के टूटने के चांस, तो बताते हैं कि टेरी बहुत जल्द टूट सकता है क्योंकि वो जगह सही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर भी वो रिजर्वॉयर इंड्यूस हो जाएगा। चलो अगला है, हाँ, इम्बैलेंस इन जियो बैलेंस, है ना, धरती का बैलेंस होता है, क्या होता है, धरती में कहीं कहीं पहाड़ होता है ना,
तो क्या होता है कि वहां पहाड़ों की वजह से वजन ज्यादा होगा और वहां नीचे का जो एस्थिनोस्फीयर वो शिफ्ट होगा। जैसे यहां पर कोई पहाड़ है तो वजन यहाँ ज्यादा होगा, जहां पर माउंट एवरेस्ट होगा, ये धरती है, धरती पे जहां माउंट एवरेस्ट होगा वो थोड़ी सी दबी नहीं होगी क्रस्ट, वजन की वजह से थोड़ा दबा होगा क्योंकि नीचे एस्थिनोस्फीयर है, बस एस्थिनोस्फीयर यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं। लेकिन तुम तो डायनामाइट से या रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए या रोड बनाने के लिए पहाड़ धीरे धीरे काटते जा रहे हो ग्रेनाइट पत्थर के लिए, तो पहाड़ काटते जाओगे तो वजन डिसबैलेंस होगा कि नहीं, प्रेशर रिलीज होगा इस एरिया में, और जब प्रेशर रिलीज होगा तो मैग्मा आने की, अभी तो तुमने एस्थिनोस्फीयर को दबा दिया तो यहाँ खिसक गया, पर जब प्रेशर रिलीज वो होगा तो यहाँ वापस आने की कोशिश करेगा, तो वहाँ भूकंप आने के चांस, हम कह रहे ज्वालामुखी नहीं आया, लेकिन अगर ये मैग्मा ऊपर आया और टकराया तो भूकंप नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसे बोलते हैं भूसंतुलन में अव्यवस्था। तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी मैन मेड है। देखो क्या होता है, जियोस्टेटिक बैलेंस होता है, धरती का खुद का एक बैलेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कहीं कहीं उसका वजन ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए जहां भी पहाड़ों की माइनिंग हो रही होती है वहां भूकंप आने के एग्जाम्पल मिलते ही रहते हैं। जहां पर भी तुम कहीं भी देख लेना, जहां पर भी पहाड़ तुमने उड़ा दिया मतलब वहां भूकंप आएगा। कई बार तुमने सुना होगा पूरी लाइफ हो गई बुजुर्गों की, उनने कभी अर्थक्वेक देखा ही नहीं उस एरिया में, कभी कभी जैसे एमपी बहुत बैलेंस मानते हैं, एमपी ऐसी जगह पर, एमपी बहुत दूर है हिमालय से, तो वैसा मानते हैं कि नहीं आएगा, पर इतनी माइनिंग होती रहती है एमपी में भी, इतने डैम बन रहे हैं एमपी में, जबलपुर का सबसे बड़ा बांध होशंगाबाद जबलपुर के आसपास ही तो, तबा बांध कहाँ पर, होशंगाबाद, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है अगर वहां माइनिंग करोगे, वहां डैम बनाओगे, तो एमपी में भी अर्थक्वेक आएंगे और आ चुके हैं, देखा कि नहीं, क्योंकि तुमने डैम बनाना शुरू कर दिया, तुमने इंदिरा सागर डैम बना दिया है ना, तुमने यहाँ पर माइनिंग शुरू कर दी, पूरा तुमने बुंदेलखंड उड़ा दिया ग्रेनाइट लेने के चक्कर में, पूरा खत्म है वहां पर, वहां के पूरे पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए, और पहाड़ खत्म होने के बाद अब गड्ढा खोद के निकाल रहा है ग्रेनाइट, मतलब जो दिख रहा है जमीन के अब उसके अंदर गड्ढा करते जा रहे हैं। तो बैलेंस, जियोस्टेटिक बैलेंस कितना होगा, समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं जियोस्टेसी, इसे बोलते हैं जियोस्टेसी, इंग्लिश में वर्ड चलता है जियोस्टेसी। तो इस वजह से भी अर्थक्वेक आएगा, इसका प्लेट टेक्टोनिक बता चुके, वही ज्वालामुखी से रिलेटेड है, कन्वर्जिंग बाउंड्री होगी तो भी अर्थक्वेक आएगा, डाइवर्जिंग बाउंड्री होगी तो भी अर्थक्वेक। तो भूकंप आने के जहां ज्वालामुखी होगा वहां भूकंप आएगा, जहां भी इलास्टिक रिबाउंड करेगा, चट्टान टूटी और रिबाउंड किया वहां पर भी अर्थक्वेक आएगा, जहां पर जियोस्टेसी डिस्टर्ब होगी, भू संतुलन वहां डिस्टर्ब होगा, और प्लेट टेक्टोनिक जहां कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वहां भी आएगा। चलो अब भूकंप को मापने की स्केल, तो दो स्केल चलती है, पहली स्केल है मरकेली, ठीक है, और दूसरी है रिक्टर, दो स्केल है। क्या होता है जो मरकेली आई थी वो 1902 में आई थी, उसको बस इतने से मतलब है कि नुकसान कितना हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जितना नुकसान हुआ उतनी वो रेटिंग दे देता था। तो जब अपना मरकेली स्केल आया तो इसको मतलब है डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, जितना विनाश हुआ उतनी रेटिंग वो दे देता था, ठीक है। तो इसमें क्या मापते थे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, कितनी बर्बादी हुई, ठीक है। तो पहली जो स्केल चलती थी उन्होंने कहा भूकंप आया मकान गिर गया, तो उन्हें रेटिंग उस हिसाब से दे दी, भूकंप आया मकान केवल हिला तो वो रेटिंग दे दी। तो सबसे पहले मरकेली स्केल, पर ये साइंटिफिक नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपका मकान अंबुजा सीमेंट से बना तो आपका मकान ऐसी जगह पर है जहां चट्टाने बहुत स्टेबल है, ग्रेनाइट टाइप की है, आगे समझ में, हो सकता है लैंडस्केप पे भी रहता है, ढलान पे है कि फ्लोर कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है, तो कई सारी चीजों पे मकान डिपेंड करता है। इसके बाद ठेकेदार ने ईंट कैसी लगाई, खड़ी लगाई, सब तरह के बनते, दिल्ली में चले जाओ ऐसे बने हैं ईंट है ना, तुम खुद तोड़ सकते हो, भूकंप की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हाँ डिपेंड करता है, इसके अलावा अगर बहुत क्राउडेड प्लेस होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, बहुत घनी आबादी में अगर भूकंप आया तो जान ज्यादा जाएंगी, मकान ज्यादा गिरेंगे, और मैदानी क्षेत्र में आएगा जहां मकान बहुत दूर दूर है वहां नुकसान कम होगा। तो मरकेली स्केल जो इंटेंसिटी के बेस पे मापता था वो अब सही नहीं मानते, क्योंकि इसमें मापते थे कि डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, उसके आधार पर वो दे देते, उन्हें कि खंभा गिरा मतलब रेटिंग इतनी, खंभा मतलब बिजली का, तुम है ना, हाँ एक वो खंभा होता है, बोले हम पी रहे थे खंभा गिर गया इसलिए मैंने हाँ क्लियर कर दिया। दिल्ली में जब मैं था 2 साल तब तक इतने भूकंप आए, पहले
और दिल्ली में कोचिंग क्या होती है, चार चार फ्लोर में होती है और उनका एक ही एग्जिट होता है। हम लोग गए कि अब भूकंप नहीं आएगा, गए और क्लास में बैठे भूकंप फिर आ गया, टीचर पहले भागा पूरा। मेट्रो में गए, मेट्रो में भी वहां तो मेट्रो रोक दी उन्होंने। मतलब एक मेरा रूममेट था उसका बीपी 200 पहुंच गया था, उसको घर भेज दिया गया क्यों, डेली अर्थक्वेक आएगा पर सोएगा कौन, रात को 2 बजे तो भूकंप, पता चला तो हम सोते रह गए, वो सोते ही रह गए, ये दिक्कत थी ना। और भूकंप हल्का नहीं आता था, खाना खा रहे तो हिल रहे, पूरे दिल्ली में जो इंटेंसिटी थी वो हमने खुद खाना खा रहे। पर क्या अगर उस समय ये होता था, अगर आप किसी के रूम पे गए और वो बेड पे लेटा, आपने बेड हिला दिया तो वो पहले भागेगा, और तुमने बोल दिया तुमने मजाक किया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी दिल्ली डरती थी। 4-5 भूकंप हम देख चुके थे 2-3 दिन में। उसमें अगर मजाक में तुम गए किसी के बेड में, थोड़ा सा ऐसा पैर से हिला दिया तो दोस्ती खत्म है उस दिन से, क्यों हम लोग डरे रहते थे कि रात को 1-1, 2-2 बजे पूरी कॉलोनी नेहरू विहार गांधी विहार सब इकट्ठा रोड पे हो जाता था। कैसा, अरे कई लोगों को तो तब पता चला कि अच्छा ये हमारी बगल वाली में रहती है कि रात को 2 बजे पूरी कॉलोनी मैदान में, अच्छा तुम कौन से फ्लोर में रहती हो चलो अब सुनो, मोदी जी का कहते हैं आपदा में ही चलो। तो भूकंप को मापने की पहली स्केल कौन सी है, इसमें क्या मापते हैं, इंटेंसिटी 1 से 12 तक की, पर इंटेंसिटी मापने का तरीका सही नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्शन के आधार पर है। तो हम फिर कौन सी लाए, रिक्टर। रिक्टर में क्या, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, और हर एक स्केल पर 32 टाइम्स एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, हर एक इंक्रीज बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, बर्बादी होना हो एनर्जी कितनी निकल रही है, तो 2 स्केल है, पुरानी वाली कौन सी है मर्केली, अब वाली कौन सी है रिक्टर। अब देखते हैं एनर्जी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केल और उसको बोलते हैं इंटेंसिटी स्केल। तो पहले वाली स्केल को क्या बोलते हैं, तीव्रता स्केल, इसको बोलते हैं परिमाण। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, पहले वाले का क्या मापता था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किससे मापोगे कितनी बर्बादी हुई है, इसलिए मर्केली को मानते हैं इंटेंसिटी स्केल, और रिक्टर को क्या मापते हैं मैग्नीट्यूड स्केल, कितने मैग्नीट्यूड की एनर्जी निकली, अब मकान गिरे चाहे ना गिरे। ठीक है, यस, तुम्हारा मकान बना भूकंप रोधी के नहीं, तुम्हारे सबसे अच्छा लगता है वो सीढ़ियां बहुत ज्यादा चौड़ी है, यस के मकान में देखो वही मुझे सबसे अच्छा लगा। कैसा, रॉयल हो ना, भागने के टाइम पर काम आएगा, पूरी फैमिली एक साथ भाग सकते हैं 6-7 लोग एक साथ भाग सकते हैं, तुम्हारा घर 2 मिनट में खाली होगा। और ये जैसे कोचिंग के बने हैं, हाँ अगर यहाँ भूकंप आएगा चलो। तो दोनों स्केल समझ में आ गई, अर्थक्वेक में वेव पी और एस बाहर जाती है तो आर और एल, उसमें कोई दिक्कत, सेंटर एपिसेंटर समझ में आ गया, रीजन क्या है, कैसे, हाँ एपिसेंटर के नीचे आपका सेंटर होता है इसीलिए उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, क्योंकि एपिसेंटर के नीचे होता है और कुछ अलग से नहीं। अब देखो सुनो, अब अर्थक्वेक के टाइप और देखते हैं कोई टाइप, हाँ क्लासिफिकेशन देख लो, देखो इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं डीप। अर्थक्वेक का सेंटर कहां पर है, भूकंप कितना है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जहां पर डाइवर्जिंग बाउंड्री होगी वहां भूकंप जो अर्थक्वेक आएगा वो सेलो टाइप का आएगा, क्योंकि वहीं कहीं उसका होगा, जहां से वो प्लेट टूटी वहीं से आ गया, तो उसकी जो सेंटर फोकस होगा वो 2-4 किलोमीटर ही नीचे होता है, इसलिए कैसा होगा सेलो। ये वाला कब बनेगा, जब प्लेट नीचे गई और यहां कहीं मेल्ट की और यहां से जब आएगा तो सेलो। तो जहां पर कन्वर्जिंग बाउंड्री होगी वहां पर क्या बनेगा, डीप अर्थक्वेक, और जहां पर डाइवर्जिंग बाउंड्री होगी वहां पर क्या बनेगा, ये समझ में आ गया, या तो कोई दिक्कत, जहां पर प्लेटें दूर हो रही हैं वहां पर सैलो हल्के भूकंप आएंगे, और जहां पर सब डक्ट कर रही है वहां पर क्या आएंगे गहरे भूकंप, और जब बहुत नीचे जाते हैं तो वहीं पर एक जोन बनता है जिसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन। आपसे पूछा जाएगा बेनी ऑफ जोन क्या है, तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाते हैं, एक क्षेत्र जहां से सबसे गहरे भूकंप आते हैं उस जोन को क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन, उसे क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन।
तो वेन्यू ऑफ जोन कहां बनेगा, जहां पर डीप अर्थक्वेक है, तो वो फोकस कहां पर है, उसके बेस पर। जितना डीप होता जाएगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्मा उतना ज्यादा आएगा जितना नीचे से आएगा। तो क्लासिफाइड कर सकते हो। अब दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां आते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा आते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, क्योंकि पैसिफिक के इस तरफ जापान है, पैसिफिक के इस तरफ अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ। तो पैसिफिक प्लेट की टक्कर यहां भी हो रही, पैसिफिक की प्लेट की टक्कर यहां भी हो रही। यहां कौन सी प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट को अगर देखोगे तो चारों तरफ प्लेट है, इसलिए इसकी चारों तरफ टक्कर हो रही है, और चारों तरफ अर्थक्वेक, चारों तरफ वोल्केनोस, तो चारों तरफ ज्वालामुखी होंगे, इसलिए से कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहां भी ज्वालामुखी, यहां भी ज्वालामुखी, यहां भी, तो पूरे एक आग का सर्कल बनेगा कि नहीं। कौन सी, किस पे, बीच में रिज होती है अटलांटिक, क्या किस में रिज, हाँ ये जो बोल रहे हैं ना प्रशांत, इसके चारों तरफ तुम्हें ज्वालामुखी मिलेगा, मतलब यहां भी आग जल रही, यहां भी आग जल रही, यहां भी आग जल रही, यहां सब जगह आग जल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रशांत अग्नि वलय। ये पूरी एक रिंग है, मतलब पूरी क्या, एक रिंग है, पर ये रिंग कैसी है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आपसे पूछते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है, तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये सब जगह सबडक कर रही है, पैसिफिक प्लेट है इस तरफ यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे जा रही है, और ये वाली इसके, तो प्रशांत महासागर इतनी भारी है कि जहां जिस प्लेट से टकरा रही उस प्लेट के नीचे जा रही, और जब प्लेट के नीचे जाएगी तो वहां ज्वालामुखी आएगा, और चारों तरफ ज्वालामुखी आने से ये रिंग ऑफ फायर दिखेगी कि नहीं। अगर चारों तरफ ही पूरी ज्वालामुखी दिखेंगे तो ये क्या दिखेगा, हिंदी में बोलते अग्नि वलय और इंग्लिश में बोलते रिंग ऑफ फायर। तो यहीं पर दुनिया के 75% अर्थक्वेक्स और दुनिया के 70% वोल्केनोज यहीं पर आते रहते, क्योंकि ये कन्वर्जिंग बाउंड्री है पूरी दुनिया की, मतलब प्रशांत के चारों तरफ कैसी बाउंड्री है, कन्वर्जिंग, समझ में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेट टेक्टोनिक की, सबसे बड़ी बुराई यही है कि आज तक यही नहीं पता चला कि प्रशांत जा किस तरफ रहा है, कहां जा रहा, तो इसके नीचे कैसे जा रहा है, अरे मतलब प्रशांत की प्लेट में डायरेक्ट वो सब जगह सब डक कर रही है, तो कहीं तो जा रही होगी, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो कई कई प्लेट ऐसी है जिसकी मूवमेंट आज तक नहीं समझ पाए अपन, ये इसकी आलोचना है। तो जब प्लेट मेंस में पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक का क्रिटिसिज्म में, तो कई कई प्लेट की मूवमेंट क्लियर नहीं है, कहीं भी जा सकती। चलो तो समझ में आ गया, दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां मिलेंगे ये पूछेगा, इसके अलावा कहां मिलेगा ये समझ में आया कि नहीं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ आएगा, क्योंकि ये बेसाल्ट की प्लेट है, ओशियनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है, ये भारी होगी नीचे जाएगी। दूसरा कहां होगा, जब यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और नीचे अफ्रीकन प्लेट है, ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी तो यहां भी भूकंप आएगा, भूकंप आने से दोनों के प्लेटें टकराने से यहां क्या बन जाएगा, आल्प्स, और अफ्रीका में बन जाएगा एटलस, दोनों तरफ एक एक पहाड़ बन जाएगा, और इसे बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय, मिड कॉन्टिनेंटल, क्योंकि दोनों महाद्वीप के बीच में, इसे बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, तो यहां पर भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा अटलांटिक के बीचों बीच भी भूकंप आ सकता है, कि अटलांटिक के दोनों तरफ प्लेट दूर जा रही, दूर जाने पर भूकंप आएगा, कौन सा आएगा, डीप या सैलो, सैलो, तो वहां पर भी भूकंप आ सकता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आएगा प्रशांत के चारों तरफ, इसके बाद कहां आएगा, यहां, ये दोनों डीप है क्योंकि यहां भी एक प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही होगी, यहां पर भी भूकंप बहुत आते हैं, पर ये सबके सब सैलो अर्थक्वेक्स है, बता दोगे। तो तीन प्लेस दुनिया के तो है जहां भूकंप के लिए फेमस है, कौन कौन सी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल, और अगला मिड अटलांटिक, तीनों एरिया बता दोगे किसमें, अब इसके अलावा इंट्रा प्लेट, प्लेट के बीचों बीच कहीं भी आ सकता, नहीं हिमालय तो इसलिए मिड अटलांटिक, ये मिड कॉन्टिनेंटल है हिमालय वाला, ये वाली जो लाइन है ये यहां से लेकर कहां तक चली जाएगी,
इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, ये वही लाइन है, मिड कॉन्टिनेंट है, तो तीन बड़े हैं। इसके अलावा भी प्लेट के बीचों बीच कहीं भी आ सकता है, जैसे जबलपुर में भूकंप अगर आ गया, वो थोड़ी किसी दो कॉन्टिनेंट के बीच में, तो नंबर वन प्रशांत, नंबर दो ये, इन दोनों के बीच में कौन सा सागर है? मेडिटेरियन। इन दोनों के बीच में भूमध्य सागर, तो भूमध्य मेडिटेरियन प्लेट भी कह सकते, ठीक है। तो पहला कौन सा? पैसिफिक, दूसरा मेडिटेरियन, तीसरा अटलांटिक, और चौथा है इंट्रा प्लेट, प्लेट के बीच में कहीं भी। तो अर्थक्वेक में धरती के नीचे एक फोकस है, एक एपिसेंटर है, इसमें कोई दिक्कत? फोकस से कौन सी दो वेव निकलती है? पी और एस। सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? पी, इसलिए उसका नाम प्राइमरी है। ये वेव सबसे पहले जहां पहुंच जाती है उसका नाम एपिसेंटर। सबसे ज्यादा बर्बादी कहां होती है? एपिसेंटर में पहुंचने के बाद क्या बन जाती है? आर और एल, चार में से सबसे ज्यादा बर्बादी किससे? एल का पूरा नाम, सबसे ज्यादा बर्बादी लव से, प्राइमरी सेकेंडरी रेले और लव, इसमें सबसे ज्यादा विनाशक। कई लोग बोले ही नहीं पा रहे हैं, चलो चार। इसके बाद इस भूकंप को मापना है तो दो स्केल चलती है, पुरानी स्केल कौन सी है? मर्केली, उसने उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी स्केल। उसमें क्या मापते हो? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कितनी बर्बादी हुई इसके बेस पे इंटेंसिटी। तो अब उससे नहीं मापते, अब कौन सी मापते हो? रिक्टर, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, कितनी एनर्जी निकली, ठीक है। अब भूकंप का अर्थक्वेक के टाइप्स, तो सेलो, इंटरमीडिएट और डीप, सामान्य भूकंप या छिछले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। गहरे भूकंप में एक जोन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन, वहीं से सबसे गहरे भूकंप आते हैं। इसके बाद भूकंप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, कहां सबसे ज्यादा कहां बनेंगे? इसके अलावा और कहां मिलेगा? मिड कॉन्टिनेंटल या मेडिटेरियन प्लेट के आसपास, फिर मिलेगा अटलांटिक के बीच में, इसके अलावा प्लेट के में कहीं भी बन सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब अगली चीज देखना, वल्केनो, ज्वालामुखी, इसको समझो। वल्केनोज में थोड़ी बहुत तुम्हें समझ में आ गई, जो भूकंप का वितरण है, जो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक है, वही वल्केनोज का है। सबसे ज्यादा वल्केनोज कहां पर मिलेंगे? पैसिफिक रिंग ऑफ, क्यों हर जगह प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही है। इसके अलावा वल्केनोज कहां मिलेंगे? यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के नीचे, और दुनिया के सबसे खतरनाक तो यही आते हैं, इटली के विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, नाम सुना है? स्ट्रोम्बोली में तो इतना आता रहता कि लाइट हाउस बोल दिया, इतने बार बार ज्वालामुखी आता है, उसके लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं। तो सबसे खतरनाक इन दोनों की टक्कर से आ रहे, समझवा गया? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ मिलेगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वल्केनोस, इन दोनों के अंदर नीचे भी मिलेगा ज्वालामुखी, अटलांटिक में भी मिलेंगे ज्वालामुखी, पर वो ज्वालामुखी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समुद्र के नीचे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिड अटलांटिक में क्या है? दोनों तरफ पानी है, यहां दोनों तरफ जमीन है, पैसिफिक के एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जापान है, तो जमीन के ऊपर अगर वल्केनो जाएंगे तो तुम्हें दिख जाएगा। अब तुम खड़े हो समुद्र के बाहर और उसके नीचे लावा निकल रहा है, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। तो मिड अटलांटिक में लावा की पूरी रिज बनी है, वहां से आते ही जा रहा है, अभी देखा था प्लेटें खिसकती जा रही और लावा आता जा रहा, वो भी ज्वालामुखी है, आगे समझे, पर वो तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि वो पानी में नीचे है और विस्फोटक है नहीं। कब विस्फोटक होगा? डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब प्लेट एक दूसरे के और लावा तोड़ कर आए, जब पहली से रास्ता खुला है और फिर लावा या मैग्मा आ रहा है, तो वो उतना विनाशक नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। अब देखो ज्वालामुखी दो टाइप का, एक होता है सेंट्रल वल्केनो, जब किसी एक पतले पाइप से लावा बाहर आता है तो उसे बोलते हैं सेंट्रल वल्केनो, केंद्रीय ज्वालामुखी, और जब किसी दरार से लावा आए, है ना, जैसे ये बोर्ड है, अगर यहाँ एक जगह से आ रहा लावा तो सेंट्रल है, और ये पूरी एक दरार पड़ गई, ये पूरी दरार से बह रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? फिसर, दरारी, तो पूरी एक दरार है और उससे बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं? दरारी या फिसर वल्केनोज, और किसी एक सेंटर से आ रहा है तो उसे बोलते हैं सेंट्रल या केंद्रीय। तो लावा या मैग्मा कहां से आ रहा है उसके बेस पे दो हिस्से कर सकते हो, सेंट्रल या फिसर, समझ में आ गया? इनमें से विस्फोटक कौन सा लग रहा है? ये विस्फोटक हो गई नहीं, अगर कहीं दरार हो जाए तो वहां तो अपने आप रिस जाएगा, जैसे कि कन्वर्जिंग बाउंड्री, जब प्लेट अलग होगी तो पूरी एक फिसर वल्केनोज बन गई है, दिख रहा है कि नहीं? किसमें?
अरे मतलब इरप्शन। अब देखना है कि कहाँ ज्यादा विस्फोट होगा। समझते, लावा दो टाइप का। सबसे पहले मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। जमीन के नीचे वो मैग्मा होता है और जमीन के ऊपर, जब मैग्मा जमीन के ऊपर आ जाएगा उसमें से एयर निकल जाएगी, वेपर्स निकल जाएगी, जलवाष्प निकल जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा कहलाएगा लावा। अब अगर लावा में सिलिका ज्यादा हुआ तो गाढ़ा होता है। अब धरती से आया लावा और उसमें सिलिका बहुत ज्यादा है तो गाढ़ा होगा, तो वो गाढ़ा होगा तो ऊंचाई तक जाएगा और धीरे धीरे तो आएगा, और जब तक आया तब तक ठंडा हो जाएगा। अगर इसमें सिलिका कम होगा तो पतला होगा, तो आएगा और बह जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? इमेजिन करो, अगर ये कोई पतला लावा होगा तो कितने दूर तक जाएगा। तो तुम्हें क्या हुआ, लावा का बना हुआ पहाड़ मिला और एक लावा का बना पठार मिला, प्लेटू। तो कौन सा सिलका ज्यादा वाला होगा, कौन सा सिलका कम वाला होगा? अगर सिलका ज्यादा होगा तो बनेगा माउंटेन्स, क्योंकि वो लावा इतना गाढ़ा था कि ऊपर तक पहुंचा और ठंडा हो गया, और सिलका कम होगा तो बनेगा प्लेट्यू। समझ में आ गया? इसका मतलब मालवा का पठार सिलका नहीं होगा, कम होगा, तभी तो वो पठार बन गया। अब देखो, जिसमें सिलका ज्यादा होता है वो एसिडिक होता है, पहली बात कर चुके हैं, और जिसमें सिलका कम होता है वो बेसिक होता है। तो पहाड़ बना है मतलब एसिडिक लावा है, और पठार बना है तो मालवा का पठार क्षारीय है, बेसिक लावा से बना है। इसमें कोई दिक्कत है? सिलका ज्यादा गाढ़ा होगा, स्टिकी होगा और एसिडिक होगा। इसका मतलब दुनिया में कहीं भी ज्वालामुखी पर्वत बना होगा, कोटोपेक्सी, किलिमंजारो, कुछ भी, वो सब एसिडिक लावा से बने होंगे। और दुनिया में जितने भी प्लेटू बने होंगे, ठीक है, तुम्हारा जैसे तुम्हारा सबसे बड़े मालवाई है, पूरा डेक्कन प्लेटू है, वो सबके सब बेसिक लावा से बना है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई नहीं है, प्लेट है। समझ में आ गया? तो लावा दो टाइप का होता है, लावा मैग्मा अलग चीज होती है। अब देखो, अब एक है बेसिक, बेसिक मतलब सिलका ज्यादा कि कम, पतला कि गाढ़ा। अब एक पतला लावा आ रहा है और एक गाढ़ा लावा आ रहा है, और एक पतली सी दरार है, किसके निकल जाने के चांस होंगे? पतले, मतलब पतले लावा जो बेसिक है, जिसमें सिलिका कम है। अच्छा, छारी बेसिक का मतलब समझ में आ गया, जिसमें सिलिका क्या है, कम, वो पतला सा लावा आएगा और कहीं भी दरार होगी तो निकल जाएगा। इसका मतलब जो क्षारीय लावा होता है वो विस्फोटक कहां से होगा, उसे तो थोड़ी सी दरार निकल जाएगा। अब एक दरार है तो, पर वो एसिडिक लावा है, वो इतना गाढ़ा लावा है कि वो निकल नहीं पा रहा, उसको उस दरार को फैलाना है, इसके लिए वो कितनी ताकत लगाएगा, और इसलिए वो विस्फोटक होगा। तो अगर ज्वालामुखी में बहुत विस्फोट हो रहा है तो समझ लेना इसके लावा में सिलिका ज्यादा है, और कहीं लावा ऐसी हो, वहां लावा मतलब लावा बस जमीन ऐसी हो गई है या ऐसे ज्वालामुखी है, बस लावा टपकता बहता सा जा रहा है, तो समझ लेना वो बेसिक है। जैसे हवाईयन, हवाईयन जो वल्केनोज है ज्वालामुखी, वो बेसिक है, इसलिए वहां ज्वालामुखी से ऐसे रिश्ता ही रहता है, और वहां लोग देखने जाते हैं कि विस्फोटक है नहीं, पूरा बेसिक है, तो आदमी भर ले आते हैं, हाँ सैंपल भर लाते हैं घर पे, और दिखाते, देखो ये जो है ना, हम लावा भर लाए थे, और वहां लावा बह रहा, लोगों हट जा लावा बह रहा, ऐसे हट जाते, मतलब वो टूरिस्ट प्लेस है कि वो बेसिक लावा है। जबकि दुनिया में सबसे खतरनाक है पीलियन, सबसे ज्वालामुखी, उसमें क्लाउड्स इतने ज्यादा बन जाते हैं गोभी के फूल जैसे, ठीक है, उसमें पूछते हैं क्वेश्चन कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें गोभी के फूल जैसा बादल बन जाता है, तो पीलियन है। पीलियन जो वल्केनो जो, वो सबसे खतरनाक है। तो लावा पहाड़ बनेगा कि पठार बनेगा, विस्फोटक होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लावा, उसका लावा कैसा है। अगर आपको पता चल गया सिलिका कम है कि ज्यादा, यहां तक कोई दिक्कत है? अब कल देखेंगे कि स्लाइड उसकी है कि नहीं। चलो यहीं देख ले रहे, यहीं देख ले रहे, चलो स्लाइड से क्या लेना देना, यहां सुनो, ये क्रस्ट, यहां समझो, समझो ये क्रस्ट, नीचे से मैग्मा आ रहा है, अगर नीचे ही जमा हो गया, आवाज किसकी आ रही, अगर नीचे ही जमा हो गया तो इसे बोलते हैं इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स, आंतरिक या अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। तो अगर मैग्मा या लावा आया और नीचे ही जमा होके कुछ बन गया तो उसे बोलते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियां, और अगर मैग्मा ऊपर जमा हो गया और कुछ बन गया, हो सकता हो लावा एसिडिक होता पहाड़ बन जाता, हो सकता बेसिक होता पठार बन जाता, बाहर कुछ अगर बने तो उसे बोलते हैं एक्सट्रूजिव
लैंड फॉर्म्स, बहिर्भेदी, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है के पहचानने के लिए क्या अंतर्वेदी है और क्या बहिर्भेदी है, तो इनमें एग्जाम में बहुत आता है। देखो तो अपन पहले इंट्रूजिव पढ़ लेते हैं। नीचे से मैग्मा आया और यही एक बहुत बड़ी चट्टान बन गई, धरती के नीचे से मैग्मा आया, ये धरती, और बहुत नीचे एक बड़ी सी चट्टान बन गई। इस बहुत बड़ी चट्टान को बोलते हैं बैथोलिथ। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि जो बैथोलिथ है वो इंट्रूजिव है कि एक्सट्रूजिव, क्योंकि धरती की क्रस्ट के बहुत नीचे जमा हो गया। तो आएगा एक बहुत बड़ी चट्टानी पिंड, रॉकी मास को जो क्या कहते हैं, एक इंट्रूजिव रॉकी मास है, उसको क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। बैथोलिथ समझ में आ गया। अब ये ऐसा जमा हो गया सिंक्लाइन एंटीक्लाइन फॉर्म में, इसे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में जमा हो गया तो इसे बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं, फैकोलिथ, समझ में आ गया। तो अगर बड़ी सी चट्टान बन गई तो क्या बन गया, बैथोलिथ। अगर सिंक्लाइन एंटीक्लाइन में बदल गया तो फैकोलिथ। अगर वर्टिकल है तो बोलते हैं डाइक, और हॉरिजॉन्टल जमा है तो बोलते हैं सिल। पर ध्यान रखना है सब धरती के नीचे बन रहा है। बैथोलिथ बता दोगे, बड़ी सी चट्टान जो धरती के नीचे जमा है उसको क्या बोलते हैं, यही मैग्मा से बना है। अगर वर्टिकल चट्टान बन गई है कोई बन गया तो डाइक, और क्षैतिज बन गया तो सिल। अरे सिल होता है ना, घर में भी किचन में सिल देखा है, जिस पे तुम पीसते रहते हो, सिल बोलते हैं ना उसे, वो भी तो हॉरिजॉन्टल ही होती है। मसाला कैसे पीसते हो, सिल खड़ी करके के हॉरिजॉन्टल, तो सिल कैसी होती है, वो क्या स्टाइलिश रजनीकांत टाइप की मम्मी हो तो। फैगोलिथ बता दोगे, चलो। अब हो सकता है ऐसे बने, ऐसे गड्ढे टाइप की, उसे बोलते लोपोलिथ। इसे क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। तो अगर सोसर से प्लेट देखा गड्ढेदार, थाली देखी है, तो ऐसी अगर ऐसे बने थाली गड्ढेदार तो उसे बोलते हैं लोपोलिथ। और अगर ऐसे बने कॉनवेक्स, अगर ऐसा बने तो लैकोलिथ। तो कितनी चीजें बन गई, बड़ी सी चट्टान को, वर्टिकल डिपोजिट्स को, ऊर्ध्वाधर जमाओं को डाइक, और क्षैतिज जमाओं को एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, लोपोलिथ, नहीं नहीं फैगोलिथ, फैगोलिथ। सोसर शेप की बनी तो लोपो, जिसमें लूप सा दिख रहा है वो क्या है, लोपो। और ऐसा फूला हुआ डोम शेप का है, साफ नहीं है, इसमें टीचर की साफ साफ गलती है। ये है क्रस्ट, ये बड़ी सी चट्टान, क्या नाम रख दें, इसका नामकरण रख दें, ये पक्का, ये कहां फेंको, फेंको है अब देखो लेको और बैथोलिथ एक चट्टान जैसा होता है, ये भी डोम शेप का, ये भी डोम शेप का, ये बहुत बड़ी डोम और ये छोटा सा, तो इतने इंट्रूजिव लैंड फॉर्म बनेंगे, अंतर्वेदी स्थलाकृतियां बनेंगी। अब आपसे तीन दे दे, इनमें से कोई तीन दे देगा, एक बाहर वाली कोई दे देगा, और पूछेगा इनमें से कौन इंट्रूजिव लैंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये सब जमीन के नीचे बनती है, तो ये होगी अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। तो एग्जाम में क्या होगा, तीन अंतर्वेदी दे देगा और एक कोई और दे देगा, जैसे इसको बोलते हैं कौन, जो ज्वालामुखी बना तो उसको कौन बोलोगे कि नहीं, तो आपको दे देगा बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और कौन, और बोलेगा इनमें से कौन एक्सट्रूजिव है, तो कौन। जिस नली से लावा जाएगा उसे बोलते हैं वेंट, नली उसको क्या बोलते हैं, वेंट, और जो बन जाता उसे क्या बोलते हैं, कौन या शंकु। तो ज्वालामुखी में क्या है, शंकु, और जिस पाइप से लावा गया उसे क्या बोलते हैं, वेंट। तो वेंट क्या है, इंट्रूजिव के एक्सट्रूजिव, एक्सट्रूजिव। कौन क्या है, और ऊपर जो गड्ढा बन गया ज्वालामुखी का, ऊपर ज्वालामुखी के ऊपर से देखो ऐसा गड्ढा दिखेगा, इसको बोलते हैं क्रेटर, और ये गड्ढा बहुत बड़ा हो गया तो इसे बोल देंगे कोल्डेरा। तो ये है छोटा सा क्रेटर और बड़ा हो गया तो कोल्डेरा। तो ये क्या है, वेंट, नली, ऊपर के ओपनिंग को बड़ी हो गई तो, और क्रेटर में पानी भर गया तो क्रेटर झील, क्रेटर लेक।
जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, तो ये क्या है एक्सट्रूजिव, बता दो कि बाहर क्या क्या बनेगा, ज्वालामुखी माउंटेन, उसका ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन एक्सट्रूजिव, ज्वालामुखी पठार वोल्केनिक प्लेट्यू एक्सट्रूजिव, बाहर ही बने, तो इंट्रूजिव एक्सक्लूजिव बता दोगे कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या बचा ज्वालामुखी में, बचा ज्वालामुखी का वर्गीकरण बचा है कितने टाइप का होता है, कल 5 मिनट का है, तो सुनो सुनो, आज हमने पढ़ा भूकंप, भूकंप का सेंटर क्या कहलाता है, फोकस, जहां से वेव निकलती है वो फोकस या सेंटर है, और जहां धरती पे सबसे पहले पहुंच जाती है, कौन सी दो वेव पहुंचती है और क्या बन जाती है इनमें से खतरनाक, बच के रहना है, और हाँ समझ रहे कपिल। चला इसके बाद भूकंप आने के नेचुरल कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण, इलास्टिक रिबाउंड भूकंप कारण है, प्लेट टेक्टोनिक्स नेचुरल है, प्लेटों का एक दूसरे के पास आना और दूर जाना, इसके बाद मैन मेड भी हो सकता है, जैसे कि रिजर्वॉयर इंड्यूस जलाशय प्रेरित भूकंप, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक जितने भी रिएक्टर के टेस्टिंग करते हो ना, जैसे 1998 और 1974 में दो टेस्टिंग हम परमाणु बम की कर चुके, तो वहां भूकंप आया है, जब भी, अरे उत्तर कोरिया का पागल किम जोंग जब भी करता, अगर साउथ कोरिया में भूकंप आ गया तो समझ लो किम जोंग ने आज कोई ना कोई टेस्ट किया है, पगला करता एटॉमिक उसका है और बोलता हाइड्रोजन बम का किया है, आज तो उसने दिखाया नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं है उत्तर कोरिया का, वो कभी दिखाता भी नहीं, पर वो डराने के लिए बोलता है कि हम हाइड्रोजन बम का भी अभी टेस्ट करके आए हैं, वो हर महीने 2 महीने में करता रहता है, भारत ने 2 ही बार किए और दोनों बार इतने प्रतिबंध लगा दिए भारत पे, 1998 पे ही लगा दिए थे क्योंकि ये अलाउ नहीं है, और नॉर्थ कोरिया दम से करता है, और पूरी टेक्नोलॉजी एक ही देश ने दी है, चाइना, पाकिस्तान को भी परमाणु बम चीन ने दिया है और नॉर्थ कोरिया को भी चाइना दिया, और दोनों ही देश अभी भी रूस को लगातार सपोर्ट भी चाइना कर रहा है, UNHRC से बाहर कर दिया, भारत ने ना तो फेवर में वोट दिया ना अगेंस्ट के, चाइना ने रूस के फेवर में दिया, मतलब चाइना को दुनिया में किसी की कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान को परमाणु बम देना, समझ पा रहे हो, वहीं से टेररिस्ट निकल रहे हो, तो उन्हीं को दे रहे हो, और उन्होंने अफगानिस्तान को भी बेचा, पाकिस्तान के साइंटिस्ट, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, साइंटिस्ट ने पूरी टेक्नोलॉजी बेच दी ईरान अफगानिस्तान को, चाइना से दिया क्या, शायद अब्दुल कादिर से कुछ करके, तो पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट है, उसने पूरी टेक्नोलॉजी बेच दी, तालिबान को बेच दियो तो कह नहीं सकते, आज क्या पता तालिबान तालिबान बना रहा हो कुछ भी, किसकी। इसके बाद दो स्केल है भूकंप की, कौन कौन सी, मर्केली और रिक्टर, मर्केली किसको मापता था, इंटेंसिटी को, और रिक्टर किसको, मैग्नीट्यूड को, कौन सा सही है, रिक्टर सही है, रिक्टर मैग्नीट्यूड वाला सही है, एनर्जी माप लो कितनी निकली, बर्बादी से कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी, सीस्मोलॉजी कहते हैं, इसका अर्थ को एक दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, हाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आता, मिड अटलांटिक में, मध्य अटलांटिक में गहरा भूकंप आता होगा या छिछला, सैलो या डीप, सैलो अर्थक्वेक्स आते होंगे क्योंकि वहां प्लेटें दूर जा रही, और जहां प्लेटें दूर जाती है वहां डीप अर्थक्वेक्स नहीं आ सकते। इसके बाद गहराई पर जोन कौन सा है, वेन्यू ऑफ जोन, जहां से गहरे भूकंप आते हैं वो कौन सा जोन है, वेन्यू ऑफ। इसके बाद अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स जमीन के नीचे जितनी बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रूजिव लैंडफॉर्म, और जितनी चीज जमीन के बाहर बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रूजिव, बड़ी सी चट्टान को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो अगर मंदिर में जाओ और कोई बोले बोले लो बोले, डांस शो में जाओ ऐसी जीएस दिखनी चाहिए, बोले ऋतिक रोशन फेंको लेते, साईं बाबा लोपो लेते, चलो थैंक यू।